अकेले ही फरीद खान ने शेर का शिकार किया, अपनी तलवार से ही शेर को मार गिराया। तब उन्हें एक उपाधि दी गई जिसका नाम था शेर खां। बाबर को ये तो पता लग गया था कि जो शेर खां है वो बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति है और किसी भी वक्त वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए कुछ भी काम कर सकते थे। अपनी चतुराई और बुद्धिमता के साथ में मुगलों को भी भारत से भगा दिया था 5 वर्षों के लिए और साबित कर दिया था कि दिल्ली की सत्ता पर एक अफगानी शासक भी बैठ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको लेकर आ गया हूं शेरशाह सूरी के मकबरे में, जो कि बिहार के सासाराम में पड़ता है। और यहां पर पहले आप इस पूरे मकबरे को देख सकते हैं कि कितना बड़ा और भव्य मकबरा ये बनाया गया था आज से 550 वर्ष पहले। और इस मकबरे की काफ़ी सारी खासियत भी है, यहाँ पे काफ़ी बड़ा इतिहास भी इसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ के जो पास के जितने भी नज़ारे हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ही आप शेरशाह सूरी के मकबरे में आएंगे तो आपको इस प्रकार के दरवाजे से अंदर की तरफ आना पड़ेगा, जहाँ पर एक स्क्वेयर फॉर्म का ऊँचा सा डोम भी बना हुआ है और एक इमारत बनी हुई है। और ये यहाँ पर पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं, पहाड़ी पत्थरों से पूरा बना हुआ है। और इस शेरशाह सूरी के मकबरे पर जाने के लिए बीच में इस प्रकार का एक चैनल बनाया गया है, क्योंकि चारों तरफ इस मकबरे के यदि आप आसपास देखेंगे तो आपको पानी भरा हुआ दिखाई देगा, जिसके साथ में इस पूरे मकबरे की जो रौनक है वो और भी ज़्यादा विशेषताओं के साथ में जुड़ जाती है। इसके चबूतरे से इस मकबरे की जो ऊँचाई है वो है 37.5 मीटर और इसी वजह से इसे भारत के बहुत बड़े मकबरों की सूची में शामिल किया जाता है। यदि हम दूर से इस पूरे मकबरे का बेस देखते हैं, जो बाहर की वॉल है वो एक स्क्वेयर फॉर्म में बनी हुई है, जिसके कॉर्नर पे छतरियां बनाई गई हैं वो ऑक्टागनल है। और इन्हीं ऑक्टागनल छतरियों के साथ में यदि हम इसके मध्यस्थ भाग को देखते हैं तो पूरा वो ऑक्टागनल बना हुआ है, जिसमें कुल मिलाकर 24 दरवाजे हैं, जो यहाँ से आपको सामने की तरफ 3, 3, 6 और 9 दिखाई भी दे रहे होंगे। और ऊपरी हिस्से में आपको छतरियाँ भी दिखाई दे रही होंगी, जो कि इस मकबरे को और भी ज़्यादा खूबसूरत और शानदार बना देते हैं। इस मकबरे का जो निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने अपने जीते जी ही करवा दिया था। और शेरशाह सूरी की ये दिल तमन्ना थी कि उसके मरने के बाद में उसे यहीं पर दफन किया जाए, लेकिन कालिंदर के युद्ध में लड़ते लड़ते एकदम से जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई तो उस वक्त तक ये जो मकबरा है ये पूरा तैयार नहीं हुआ था। तो शेरशाह सूरी का ही जो बेटा था सलीम शाह, उसने इस मकबरे को तैयार करवा दिया था शेरशाह सूरी की मृत्यु के 3 महीने के बाद तक। और उसकी जो तारीख है वो बताते हैं 16 अगस्त 1545, और उसके बाद में शेरशाह सूरी को यहीं पे दफन किया गया है। और ये जो मकबरा है ये उनकी यादों को, उस समय की वास्तुकला को, जहाँ पर अफगानी जो शैली है वो आज आपको देखने को मिल रही है। यदि हम थोड़े से यहाँ पर इतिहास की बातों को भी आपके सामने पेश करते हैं तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद खां, उनके पिता का नाम था हसन खां। उनका मकबरा भी पास में ही स्थित है, उसको भी हम अपनी इस वीडियो के बाद में जाएंगे कवर करेंगे। और हसन खां की कुल मिलाकर 4 बेगमें थी। उन 4 बेगमों में से जो सबसे छोटी वाली बेगम थी उनसे फरीद खां जन्मे थे, लेकिन फरीद खां से भी काफ़ी बड़े उनके भाई थे जिनको हसन खां काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए बचपन से ही जो हसन खां थे उनके फरीद खां के साथ में ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं बन पाए, जिसकी वजह से अक्सर फरीद खां यानी कि शेरशाह सूरी जो बने बाद में, उनके अपने पिता के साथ में ज़्यादा घनिष्ठ संबंध बचपन से ही नहीं थे। यदि हम शेरशाह सूरी के जन्म की बात करते तो उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है। परमात्मा शरण जो लेखक हैं उनके अनुसार 1472 में ये जन्मे थे, और के आर कनुंगो के अनुसार इनका जो जन्म है वो 1486 में हुआ था। हरियाणा के नारनौल में जन्मे थे, और जो शेरशाह सूरी के पिता थे हसन खां वो सासाराम के जमींदार थे। और ये पढ़ाई करने के लिए जौनपुर चले गए, जहाँ पर एक काफ़ी बड़ी मस्जिद है जिसे हम आज के समय में जामा मस्जिद कहते हैं। वहाँ पर इन्होंने अरबिक और उर्दू जो तालीमें हैं वो सीखी। बचपन से ही काफ़ी चतुर बहादुर थे। और कुछ वक्त के बाद में दक्षिण बिहार के एक जाने माने शासक थे जिनका नाम था बाहर खां लोहानी,
उनकी सेना में जो फरीद खान थे वो शामिल हो जाते हैं, और बाहर खान लोहानी के जो बेटे हैं जलाल खान, उनके संरक्षक के रूप में ये काम करने लगे। और समय बीतता गया, तो एक दिन हुआ क्या कि बाहर खान लोहानी शिकार खेलने के लिए जंगल में चले गए, तो उस समय अकेले ही फरीद खान ने शेर का शिकार किया, अपनी तलवार से ही शेर को मार गिराया। तब उन्हें एक उपाधि दी गई जिसका नाम था शेर खां। तो फरीद खां अब बन गए थे शेर खां। और दोस्तों यहाँ पर अब हम इस मकबरे के बिल्कुल नज़दीकी भाग में आ चुके हैं। आप इस मकबरे के जो ऊँचे ऊँचे ये जो मेहराबे हैं इनको देख सकते हैं, इनकी स्थापत्य कला को समझ सकते हैं, और ये अनुमान लगा सकते हैं कि 450 वर्ष पहले जब ये पूरा मकबरा बनाया गया था तो ये कितना ज़्यादा और भी भव्य रहता होगा, लगता होगा। कुछ बारीकियाँ मैं आपको यहाँ से कैच करवाने की कोशिश करता हूँ। आप अपनी नज़रों को सामने ऊपरी भाग पर लेकर जाइए जहाँ पर आपको नीले रंग की ग्लेन स्टाइलिंग का वर्क दिखाई दे रहा होगा। ये जो पूरा वर्क है ये इस पूरे मकबरे के सबसे ऊपरी हिस्से में किया गया था, और ये जो पत्थर है वो नाइट के समय में या रोशनी पड़ने पे चमकता है, तो दूर से जब आप इसे देखोगे या फिर मूनलाइट में देखोगे तो इसको एक अलग ही शाइनिंग सी दिखाई देगी। ये जो पत्थर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये चुनार का ही जो पत्थर है उसको इस्तेमाल किया गया है, और इसका जो पूरा शेप है जो कि ऑक्टागनल है, और यहाँ पर भी आपको देखो एक छतरी दिखाई देगी, इसके ऊपर भी आपको काफ़ी रंग बिरंगे जो कलर है वो देखने को मिल रहे हैं, और इसके बिल्कुल कॉर्नर पे भी चारों कॉर्नर पे इस प्रकार की छतरियाँ बनाई गई हैं। इसकी छतरियों के ऊपरी हिस्से को यदि आप देखते हैं जहाँ पर एक डॉम बना हुआ है, उस डॉम पर आपको लाइनिंग सी दिखाई दे रही होंगी जो कि टाइलिंग वर्क की जैसी दिख रही है आपको, जो कि उसको और भी विशेष और अहम मुख्य बना देता है। और कुछ चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ, इनकी जो टोडे हैं जो छज्जा बाहर निकला है इसके नीचे का जो हिस्सा देख रहे हैं कि ये घड़े की जैसी आकृति यहाँ पर बनी हुई दिखाई दे रही है। शायद जिन आर्किटेक्चर ने या जिस स्थापत्य कला के हिसाब से ये डिज़ाइन यहाँ बनाया गया होगा तो इन नीचे के पॉट्स का भी कुछ ना कुछ विशेष महत्व रहता होगा। इसी वजह से तो इस पूरे मकबरे में जब आप देखेंगे तो इसके छज्जे के निचले हिस्से में इसी प्रकार के पॉट्स बने हैं, उस पर एक फ्लावर का डिज़ाइन भी दिया गया है। और जब फरीद खां शेर खां के नाम से जाने जाने लगे तो उस समय एक इनके सामने समस्या आई। वो समस्या क्या थी कि दक्षिण बिहार के जो बाहर खां लोहानी थे वो वहाँ के स्वतंत्र सुल्तान बन जाते हैं, और उस सुल्तान के जितने भी मुख्य मंत्री थे या जितने भी उनके बड़े बड़े सरदार थे उन्होंने लोहानी को शेर खां के खिलाफ भड़काना शुरू किया, एक षड्यंत्र रचा जिसकी वजह से शेर खां को दक्षिण बिहार का भाग छोड़ना पड़ा, और वो जाकर शामिल हो गए बाबर की सेना में। और बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर, जहाँ पे पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, उसके बाद में दिल्ली आगरा का जो हिस्सा था वो बाबर के पास में आ चुका था। तो 1527 के समय में शेर खां बाबर की सेना में शामिल होते हैं, 15 महीने तक उनकी सेना में ही रहते हैं, और उनकी जो भी युद्ध नीतियाँ होती हैं, जो भी उनका काम करने का तरीका होता है, तोप चलाने का तरीका होता है, मुग़ल सल्तनत की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, मुग़ल सल्तनत के अंदर जो उनके जितने भी सेनापति हैं वो किस तरीके से काम करें, इन सभी चीज़ों को बड़ी चतुर चालाकी के साथ में शेर खां ने समझना शुरू किया। और 1527 के समय में जब बाबर का युद्ध होता है जिसे हम चंदेरी के युद्ध के नाम से जानते हैं, तो उस युद्ध में भी शेर खां ने बाबर का साथ दिया, लेकिन मुग़लों की सारी रणनीति समझने के बाद में वो वापस दक्षिण बिहार के बाहर खां लोहानी की सेना में आके फिर से शामिल हो जाते हैं, और बाहर खां लोहानी उनको खुशी खुशी अपनी सेना में शामिल भी कर लेते हैं। लेकिन मात्र एक वर्ष के बाद यानी कि 1528 का समय, जिस समय बाहर खां लोहानी की अचानक से मृत्यु हो जाती है और उनकी जो विधवा पत्नी होती है दूदू बेगम, उनके साथ में जो शेर खां थे वो विवाह कर लेते हैं, जिसके बाद से दक्षिण भारत का जो हिस्सा है वहाँ के मुख्य प्रधान बन जाते हैं, और जो जलाल खां थे यानी कि बाहर खां के बेटे वो प्रधान के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। पर थोड़े ही वक्त के बाद में जलाल खां अपने कुछ सरदारों के साथ में बंगाल वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, जिसके बाद से दक्षिण बिहार का जो हिस्सा है वो पूर्ण रूप से शेर खां के पास में ही आ जाता है। और सबसे पहला काम होता है 1528 में जब वो किसी एक क्षेत्र के शासक राजा बन गए थे।
इतिहास को और आगे बताऊंगा मैं। अब हम इसकी दूसरी दिशा में आ गए हैं, तो आप इसको किसी भी एंगल से देखेंगे तो इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम आपको दिखाई देगा। सबसे जो मुख्य बात यहाँ पर पहचानने वाली बनते वो ये है कि 550 वर्ष बीत गए हैं और उसके बाद भी जो मकबरा है इतना बड़ा भव्य आज हमें दिख रहा है। अब हम एक बार थोड़ा अंदर की तरफ चलेंगे और जाने के बाद में थोड़ा देखेंगे कि इन जाली वाले हिस्से से हमें क्या कुछ दिखाई देता है, या फिर हम इसके बाकी जो हिस्से हैं उनको भी देख लेते हैं। एक बार यहाँ पर आइए, यहाँ पर आने के बाद में आप इन पत्थरों के ऊपर जो कार्विंग की गई है इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। जो लीव्स बनाई गई हैं, आम के पत्तों की लीव्स हैं ये, ऊपर की तरफ एक डिज़ाइन भी दिखेगा आपको। और ये जो पूरा स्नैरियो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये जो आर्च यहाँ पर बनी हुई है, ये जो पत्थरों में यहाँ पे कार्विंग्स की गई है, वो काफ़ी ज़्यादा लुभावनी है, अट्रैक्टिव है और उस समय की वास्तुकला, वास्तुशास्त्र और बाकी चीज़ों को भी दिखाती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं 1529 के समय में बंगाल के एक शासक हुआ करते थे नुसरत शाह, उनको भी शेर खां हरा देते हैं और अपने साम्राज्य को और बड़ा कर लेते हैं। 1530 के समय में चुनार का एक किला आप लोगों ने सुना होगा इतिहास के अंदर, वहाँ के जो राजा थे, शासक थे ताज खां, उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो विधवा होती है जिनका नाम था लाड मल्लिका, उनके साथ भी निकाह कर लेते हैं। अब इनकी दो पत्नियां हो गई हैं और उन दोनों पतियों के साथ में जो वहाँ का क्षेत्र है वो भी इनके अधिकार में आ चुका था और इस प्रकार से धीरे धीरे ये अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे। और ये 1530 का वही वक्त था जिस समय बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये बाबर की सेना में शामिल हुए थे ना, तो बाबर को ये तो पता लग गया था कि जो शेर खां है वो बहुत ही ज़्यादा चतुर चालाक व्यक्ति है और किसी भी वक्त वो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए कुछ भी काम कर सकते थे। इसलिए बाबर ने मरने से पहले हुमायूं को ये बताया था, समझाया था कि इस व्यक्ति से, यानी कि शेर खां से थोड़ा बचकर रहना। और शेर खां ने भी एक बात बोली थी, यदि भगवान ने मेरी सहायता करी और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से भगा दूंगा। और जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं दिल्ली पर, यानी कि 1530 के समय में, तो इसी के बाद से, यानी कि 1532 के समय में चुनार के किले पर वो अपनी सेना के साथ में घेराबंदी कर लेते हैं और शेर खां के साथ में एक संधि होती है। और यही सबसे बड़ी गलती भी कही जाती है हुमायूं की, बताऊंगा कैसे। अब हम एक बार अंदर की तरफ चलेंगे और यहाँ जाने से पहले मैं अपने शूज़ वगैरह उतार देता हूँ, क्योंकि अंदर की तरफ में सूरी राजवंश के परिवार के काफ़ी सदस्यों की कब्र भी हमें देखने को मिलेगी। तो थोड़ा एक बार हम अंदर की तरफ चलेंगे दोस्तों।